अंडा ऑमलेट वाली। एक वक्त की बात है, एक गांव में एक अंडों का व्यापारी था जो एक दरख्त के नीचे बैठकर अंडे बेचा करता था। उसने अंडों की कीमत 4 रुपए रखी हुई थी, इसलिए उसके अंडे जल्दी बिक जाया करते थे। काका अंकल, एक दर्जन अंडे दे दो, जरा मोटे मोटे अंडे देना। हाँ हाँ बेटा, बेफिक्र रहो, मैं आपको मोटे मोटे अंडे ही दूंगा। कभी ऐसा भी हुआ है कि मैंने आपको छोटे छोटे अंडे दिए हो? हाँ कल ही दिए है। मेरी बेगम तो कह रही थी ये अंडे मुर्गी के लेकर आ रहे हो या चिड़िया के। बड़ी मुश्किल से उसे यकीन दिलवाया कि ये अंडे मुर्गी के ही हैं। बस बेटा, बीच में एक दो अंडे छोटे आ जाते हैं, तुम फिक्र मत करो, मैं आज तुम्हें मोटे मोटे अंडे दूंगा। फिर वो आदमी उसे पैसे देकर उससे अंडे लेकर चला जाता है और वो बुजुर्ग आदमी पैसे गिने बगैर ही रख लेता है। फिर जब वो शाम में हिसाब करता है तो पैसे काफी कम होते हैं। ये क्या, आज मैंने 400 अंडे बेचे हैं, लेकिन पैसे तो 50 अंडों के कम हो रहे हैं। कहाँ चले गए हैं पैसे? बस बस, तुम रोज ही कम पैसे लेके आ जाते हो, ये नहीं कि हर किसी से पैसे गिन कर लो। अबू जान, इस तरह तो आपका कारोबार नहीं चल सकेगा, कम से कम आप पैसे गिन कर तो लिया करें। नहीं सुनेंगे, ये नहीं सुनेंगे, इन्होंने तो नुकसान उठाने का ठेका उठाया हुआ है। ओ बेगम, फिकर मत कर, मैं कल से पैसे गिन कर ही लूंगा। तू अब मुझे खाना दे दे, बहुत जोर की भूख लग रही है। और बिट्टू, शाम होने से पहले फार्म से अंडे लेकर आ जाना, वरना आसपास के लोग उससे वक्ती वक्ती अंडे खरीद कर ले जाते हैं। ठीक है अब्बू जान, मैं अंडे लेने जाता हूँ, आप फिकर मत करें। उनके पास एक बैलगाड़ी थी और वो उसी पर अंडे लाते थे। फिर बिट्टू बैलगाड़ी में बैठ कर अंडे लेने चला जाता है और उस फार्म पर पहुंचता है। अब तो लाओ, तुम्हारा अब्बू का कारोबार कैसा जा रहा है अंडों का? अंकल, कारोबार ठीक जा रहा है, लेकिन एक मसला हो गया है अंकल। कौन सा मसला हो गया है बिट्टू? अंकल, अब्बू हिसाब किताब भूल जाते हैं। जब भी कोई ग्राहक इन्हें पैसे देता है तो वो पैसे गिनते ही नहीं और ऐसे ही गले में डाल लेते हैं, और जब घड़ाकर हिसाब करते हैं तो हमेशा 50-60 अंडों के पैसे कम होते हैं उनकी जेब में, उनके गले के अंदर। यार ये तो बहुत गलत बात है, इस तरह तो उन्हें बहुत नुकसान हो रहा होगा, इससे तो बेहतर है वो घर ही बैठ जाए। बस अंकल, समझा कर थक गए हैं, अब उम्मीद है वो हिसाब पूरा करेंगे। अंकल आप 400 अंडे दे दो। फिर बिट्टू उससे अंडे लेकर चला जाता है और फिर अगले दिन उसका बाप अंडों का ठेला खोल कर बैठ जाता है। उसी गाँव में मीठा नाम का एक लड़का अपनी बीवी नसीबो कैंची के साथ रहता था। मिठे उठ जा, सुबह हो गई है, क्यों तू सो सो के सुस्ती और नहुसत फैला रहा है? हाँ हाँ बेगम, उठ रहा हूँ। तो एक काम कर, मुझे अंडा फ्राई कर दे और पराठा बनाकर उस पर देसी घी लगा दे, काफी कमजोरी महसूस हो रही है मुझे। अच्छा अच्छा, बड़ा मुँह धो के बड़े गंदे दांतों पर लोही की तारों वाला ब्रश मार, मैं नाश्ता बनाती हूँ। फिर नसीबो कैंची किचन में आती है और ब्रैकेट में देखती है तो एक ही अंडा होता है। ये क्या, ये तो ब्रैकेट में एक ही अंडा पड़ा हुआ है, मैं खाऊंगी, ये मीठे को खिलाऊंगी, मीठे को दफा करो, मैं खुद ही खा लेती हूँ। फिर नसीबो अंडा बनाने लग जाती है तो इतनी देर में मीठा भी आ जाता है। वाह बेगम, अंडे की खुशबू तो बहुत जबरदस्त आ रही है, चल जल्दी से देसी घी का चुपड़ा हुआ पराठा भी बना दे। अपना मुंह बंद कर, ब्रैकेट में सिर्फ एक ही अंडा पड़ा हुआ था, अब मैं खाऊंगी, मुझे अंडे की बहुत जरूरत है। अंडे की जरूरत क्या मतलब, तू अंडा खा के लेडी डियाना बन जाती है, चल चुप करके अंडा और देसी घी का पराठा बना कर दे। मीठे अपना ग्रीस जैसा मुँह लेके ऐसे दफा हो जा, वरना इस चमटे से मार मार के तुझे बतख का अंडा बना दे बूंगी। वो अभी बात कर ही रहे होते हैं कि बाहर से आवाज आती है। बेटा बहुत जोर की भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो बेटा। लो यहाँ एक अंडे के पीछे हमारी लड़ाई हो रही है और ऊपर से ये बुढ़िया मांगने के लिए आ गई है, इसे तो मैं अभी भगा कर आता हूँ। फिर मीठा बाहर आता है। बेटा अंडे की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, मुझे अंडा खिला दे बेटा। अम्मा अंडा तो एक है, वो मैं खाऊंगा। हाँ घर में डंडे बहुत सारे हैं, वो खाने हैं तो बता। बेटा खिला दे अंडा, बहुत जोर की
भूख लग रही है। ये देख मेरे पास 20 रुपए है, ये ले ले और गरीब का पेट भरवा दे बेटा। ये सुनते ही मीठा सोचता है, वाह 4 रुपए वाला अंडा 20 रुपए में, ये अच्छा सौदा है। अच्छा अम्मा दे 20 रुपए, लाकर देता हूँ तुझे अंडा। फिर मीठा उससे 20 रुपए लेकर अंदर आता है। यार बूढ़ी फकीर औरत आई है, बेचारी बहुत भूखी है, तू अंडा दे दे मैं उसे खिलाता हूँ। तुझे मैं अभी बाजार से ला देता हूँ, ये देख 20 रुपए में मुझसे 4 रुपए वाला अंडा खरीद रही है। मीठे तू 5 मिनट पहले आ जाता, अब तो अंडा पराठे के साथ मेरे पेट के अंदर हजम होने की तैयारियाँ कर रहा है। कोई हाल नहीं है बेगम तेरा, अब मैं उसको क्या कहूँगा। भगा दे मीठे उसको, भगा दे और मुझे 20 रुपए के 5 अंडे ला दे, मैं तुझे अंडों का आमलेट बढ़ा के खिलाती हूँ। फिर मीठा बाहर आकर उस बूढ़ी औरत को भगा देता है और उसके 20 रुपए लेकर उस अंडे वाले के पास जाता है। तो वहाँ वही ग्राहक खड़ा होता है, वो उससे काफी सारे अंडे खरीदता है लेकिन पैसे बहुत कम देता है। मीठा बहुत हैरान होता है कि उस बूढ़े आदमी ने पैसे गिने बगैर ही गले में रख लिए हैं। फिर जब वो ग्राहक जाता है तो मीठा भी उसके पीछे जाता है। ओए चलाक आदमी, बहुत सियाणा बन रहा है ना तू, उस बूढ़े आदमी को अंडों के कम पैसे दिए हैं तूने, मैं सब देख रहा था। ओ भाई आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। हाँ तो सुन ले, तू उसके साथ धोखा करके आ रहा है। भाई तू भी कर, उसको पता ही नहीं लगता मैं तो कब से उससे अंडे इसी तरह लूट कर लेकर जा रहा हूँ, उसे कम पैसे देकर बहुत सारे अंडे ले जाता हूँ। अरे वाह भाई, आपने तो मेरी जिंदगी आसान कर दी है, मुझे तो अंडों के आमलेट का बहुत शौक है, मैं अब उससे खूब अंडे लूंगा। वहाँ बिट्टू की माँ बिट्टू को कहती है, बिट्टू बेटा तेरा बाप तो ऐसे ही नुकसान करता रहेगा, मैं तो कह रही हूँ आज तू चुपके से दुकान पर जा और देख के कौन उन्हें रोज चूना लगा कर जाता है। हाँ बेजाड़ आप ठीक कह रही हो, मैं पुलिस को भी साथ लेकर जाता हूँ और आज ही उस फड़ाडी को रंगे हाथों पकड़ता हूँ। फिर बिट्टू घर से निकलता है और पुलिस स्टेशन जाकर उन्हें सब कुछ बताता है कि कोई रोज उसके बाप की दुकान से अंडों में धोखा कर रहा है। फिर वो पुलिस के हमरा अपने बाप के ठेले पर आकर छुप जाते हैं तो थोड़ी देर में मीठा वहाँ आ जाता है। अंकल 4 करेट अंडों के दे दो। फिर वो आदमी उसे 4 करेट अंडे देता है और दूसरे ग्राहक से बात करने में लग जाता है तो मीठा उसके गले में 20 रुपए फेंक देता है। अंकल मैंने आपके गले में अंडों के सारे पैसे रख दिए हैं। ठीक है बेटा तुम जा सकते हो। बिट्टू और पुलिस वाला मीठे की चालाकी देखकर बहुत हैरान होते हैं और उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। बहुत ज्यादा बन रहा है ना तू, हम पीछे से देख रहे थे तू अंडों के कम पैसे दे रहा था। पुलिस इंस्पेक्टर साहब ये तो बहुत अरसे से इस तरह कर रहा है, ये अब हमारे हाथ आया है। पुलिस इंस्पेक्टर साहब मुझसे कसम उठवा लो, मैंने तो आज ही कम पैसे दिए हैं, एक और बंदा है वो तो इससे रोज धोखा करके जाता है। अपना मुंह बंद कर, चल हमारे साथ थाने, तेरी तो हम सारी फराटियाँ निकालते हैं। मीठे को उस बूढ़ी औरत की ऐसी बददुआ लगी कि किसी और की चोरी मीठे के गले पड़ गई। फिर कुछ दिनों बाद दूसरा बंदा भी पकड़ा जाता है और अब उनको अंडों में भी अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगता है। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।